हेलो स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं सभी बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ फोर इंटू टेन माइनस सेवन कुलम लोकेटेड नाइन सेंटीमीटर अवे और सेकंड पार्ट में पूछा गया है ऑप्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ टू इंटू टेनबाव माइनस नाइन कुलम फ्रॉम इन्फिटी टू दैट पॉइंट पी फुलॉप डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग इज ब्रॉड सो बच्चों यहाँ पर थ्री सेक्शन से एक तरीके से तीन क्वेश्चन सो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है पी तो यहाँ पर हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो बच्चों किसी पॉइंट पी पर किसी चार्ज के पास आर दूरी पर अगर पोटेंशियल का फॉर्मुला हम देखें तो वो होता है बच्चों के क्यू बाई आर और के है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन रेस टू पावर नाइन स्टूडेंट्स हमें चार्ज की वैल्यू पता है हमें आर दूरी पता है दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए के की वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन रेस टू पावर नाइन और चार्ज की वैल्यू है बच्चों फोर इंटू टेन रेस्टू पावर माइनस सेवन और आर जो है ये है दूरी यानी उस पॉइंट की दूरी चार्ज से तो ये है बच्चों नाइन सेंटीमीटर इसको हमने ऐसा SI यूनिट में कन्वर्ट किया यानी मीटर में कन्वर्ट किया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेन इंट इंटन रेस टू पावर माइनस टू से बच्चों मल्टीप्लाई करना है टेन रेस्पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करते ही सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स तो हमें वैल्यू जो मिलेगी पोटेंशियल की वो मिलेगी फोर इंटू टेन रेस्पावर फोर वोल्ट यानी इस चार्ज से नो सेंटीमीटर दूर नाइन सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट पी है वहां का पोटेंशियल होगा फोर इंटू टेन एस पावर फोर वोल्ट स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे के की जगह हमने सेकंड स्टेप में वन अपॉन फोर पाई एक्सएल एन नोट भी रखा था

सो so, अगर यहां पर पी पॉइंट पर इस चार्ज को लाया जा रहा है तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट राइट यानी जिस पॉइंट पर लाया गया है चार्ज को उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है उसके पोटेंशियल की मल्टीप्लाई कर देनी है जिस चार्ज को लाया गया उसकी स्ट्रेंथ से यानी कितना चार्ज लाया गया है टू इंटू टेन रेस्टो पावर माइनस नाइन कुलम राइट स्टूडेंट्स और यहाँ का पोटेंशियल क्या है बच्चों पी पॉइंट का वो था फोर इंटू टेन रेस्टो पावर फोर वोल्ट अभी हमने ऑप्टेन किया है बच्चों दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो हमें वैल्यू मिल गई बच्चों पावर जूल स्टूडेंट्स अगर पोटेंशियल वोल्ट में है और चार्ज कूलम में है तो आपको वर्क जो मिलेगा वो जूल में मिलेगा सो दिस इज हाउ वी फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनेटी टू दैट पॉइंट पी सो हमें क्या पता होना चाहिए उस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए और कितना चार्ज हम ला रहे हैं इन्फिनेटी से उस पॉइंट पर वो पता होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हमें वर्क मिल जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलॉन्ग विद द चार्जेज ब्रॉड यानी ये पूछा जा रहा है कि अगर हम चार्ज को स्ट्रेट लाइन में लाते हैं या किसी और पाथ से लाते हैं राइट right? यानी चार्ज को हम इस तरीके से किसी और पाथ से लाते हैं राइट right? घुमा के इस तरीके से या फिर सीधे लाते हैं तो क्या वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं यानी हियर इन दिस केस ऑल द फोर्सेज इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव इन नेचर अगर यहाँ पर आप देखें किसी प्रॉब्लम में अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं इन्वॉल्व तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है सो so स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं फोर्सेज वो कंजर्वेटिव हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि वर्क डन यहाँ पर जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा चाहे आपको स्ट्रेट लाइन में लाइए चाहे उसको किसी भी तरीके से किसी भी पाथ से लाइए यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो एट इंटू टेन माइनस फाइव जूल ही होगा बस इन्फिनिटी से आप उस पॉइंट पी पर ही ला रहे हो चार्ज को यानी अगर किसी और पॉइंट पर लाते हैं किसी और दूरी पर तो वहां पर वर्क डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वहां का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा राइट लेकिन अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है लेट्स से यहां पर एक पी पॉइंट है दूसरा कोई क्यू पॉइंट है अगर उसका भी पोटेंशियल सेम है तो दोनों पॉइंट पर ले जाने के लिए सेम वर्क रिक्वायर होगा स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स